वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम चैप्टर 8 जो हमने स्टार्ट कर रखा है, ये क्लास 11th के लिए सीबीएसई सिलेबस का हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स में व्यावसायिक वित्त के स्रोत, इसका आज हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए, लास्ट में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था वित्तीय संस्थान। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन, जिसमें ये बताया गया है कि संगठनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोष जुटाने के विभिन्न ढंग होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अर्थव्यवस्था में खुलेपन एवं व्यावसायिक संगठनों के कार्य प्रचलन में के वैश्वीकरण के कारण भारतीय कंपनियां विश्व पूंजी बाजार से कोष जुटा सकती है। बिल्कुल जुटा सकती है, क्योंकि आजकल काफ़ी खुला व्यापार करने लग गए हैं बाहर के देशों के साथ। हमें काफ़ी इजी हो गया है वित्त के स्रोत जुटाना बाहर से भी। तो वो देखो, ये जो मेन है वो ये है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यावसायिक बैंक की, वाणिज्यिक बैंक जिसे हम कहते हैं, यानी कमर्शियल बैंक। पूरे विश्व में वाणिज्यिक बैंक वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा में ऋण देते हैं। यह गैर व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए वित्त के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बैंक द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋण एवं सेवाएं अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग हिसाब होता है सबका। उदाहरणतः जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड, या अपना नाम ध्यान रखने हैं, और भारतीय उद्योग के लिए विदेशी मुद्रा ऋण के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है। एक देखिए और है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एवं विकास बैंक। यह विश्व के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए दीर्घ अवधि, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए, एवं मध्यम अवधि यानी कि मिडिल टर्म के लिए ऋण एवं अनुदान देते हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध संस्थान हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, आपने नाम जरूर सुना होगा इसका। फिर ये नेक्स्ट है एंजिम बैंक, जिसे हम इंग्लिश के नाम दिया गया एंजिम बैंक के नाम से, एवं एशियन विकास बैंक भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में रुपयों एवं विदेशी करेंसी में काफ़ी बड़ी मात्रा में ऋण पर निर्भर करते हैं। इसके लिए जिन प्रमुख वित्तीय विलेखों का प्रयोग किया जाता है वे इस प्रकार है। देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद, जैसे कि GDR, कंपनी के स्थानीय करेंसी शेयर जमा बैंक को सौंप दिए जाते हैं। जमा बैंक इन शेयरों के बदले में जमा रसीद जारी कर देते हैं। इन जमा रसीदों को अमेरिकी डॉलरों में अंकित करने पर यह अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद बन जाती है। GDR विनिमय साध्य विलेख होते हैं तथा अन्य प्रतिभूतियों के समान स्वतंत्र रूप से इनमें व्यापार किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में GDR किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी करेंसी में कोष एकत्रित करने के लिए विदेशों में जारी विलेख है, मतलब कि एक ऐसा लेख दिया गया है जिनका किसी विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीन कराया गया है, एवं उसमें इसका क्रय विक्रय भी होता है, मतलब खरीदा और बेचा भी जाता है। ये GDR धारक इसे किसी भी उतने शेयरों में परिवर्तित कर सकता है जितने में वह प्रतिनिधित्व करती है, मतलब उसको बाद में एक्सचेंज भी कर सकता है। जैसे कि इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो एवं ICICI ने GDR जारी कर धन एकत्रित किए हैं। अमेरिकी जमा रसीद, जैसे कि ADRs भी कहा जाता है, अमेरिका में किसी कंपनी द्वारा जारी जमा रसीद को अमेरिकी जमा रसीद कहते हैं। ये केवल अमेरिका के नागरिकों को ही जारी किए जा सकते हैं तथा अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में ही इनका सूचीन एवं क्रय विक्रय भी किया जाता है। भारतीय न्यासी रसीद, जिसे हम IDR भी कहते हैं, भारतीय न्यासी रसीद भारतीय करेंसी में पारित किया गया एक वित्तीय प्रपत्र है। इस प्रपत्र के माध्यम से विदेशी कंपनियों को भारतीय शेयर बाजार में निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। विदेशी कंपनियां IDR के निर्गमन पर अपने अंशों को भारतीय न्यास में जमा कराती है, जो कि इन प्रतिभूतियों के लिए SEBI, जो आपका बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, के संरक्षण पर कार्य करता है। SEBI रूपरेखा के अनुसार भारतीय नागरिकों को IDR घरेलू अंशों के समान ही जारी किए जा सकते हैं। इन दोनों के निर्गमन पर किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता। विदेशी कंपनी अंश निर्गमन के लिए भारत में सार्वजनिक प्रस्ताव
देती है और भारतीय निवेशक उसी प्रक्रिया में बोली देते हैं जिस प्रकार वे घरेलू अंशों की स्थिति में बोली देते हैं। भारतीय शेयर बाजार में वर्ष 2010 में सर्वप्रथम IDR निर्गमित करने के लिए कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर PLC है। ठीक है, इसमें देखिए बीच में एक पॉइंट यहाँ पे अच्छा बताया गया है ये कि अंतर निगम निवेश क्या होता है, जिसे हम ICD भी कहते हैं। देखिए अंतर निगम निवेश एक प्रकार की असुरक्षित लघु जमा राशि है। देखो असुरक्षित ध्यान रखना है वर्ड, ये असुरक्षित लघु जमा राशि है जिन्हें एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में निवेश करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रूपरेखा के अनुसार ICD में न्यूनतम 7 दिनों की अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है और ज़्यादा तो जितने मर्जी अवधि आप रख सकते हो, और निवेश की अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अंतर निगम निवेश 3 प्रकार के होते हैं, 3 माह के, 6 माह के और मांग यानी कॉल के अकॉर्डिंग। अंतर निगम निवेश पर ब्याज दर स्थायी एवं अस्थायी दोनों ही हो सकती है। इन निवेश पत्रों पर दी गई ब्याज दर सामान्यतः बैंक ब्याज दर से अधिक ही होती है, क्योंकि देखो रिस्क भी इसमें ज़्यादा है ना, क्योंकि असुरक्षित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें और कंसेप्ट में। नेक्स्ट देखिए विदेशी करेंसी परिवर्तनीय बांड, जिसे हम FCCBS भी कहते हैं, यह समता अंशों से जुड़ी ऋण प्रतिभूति होती है जिन्हें एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर समता अथवा जमा रसीद में परिवर्तित किया जाता है। FCCB को किसी विदेशी मुद्रा में जारी किया जा सकता है। इस पर स्थित दर से ब्याज मिलता है, मतलब फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से ब्याज भी मिलता है, जो किसी भी अन्य किसी प्रकार के गैर परिवर्तनीय ऋण विलेख पर मिलने वाली दर से कम ही होता है। फिर नेक्स्ट है FCCB भारत में जारी होने वाली परिवर्तनीय ऋण पत्रों के समान ही होते हैं। कोषों के स्रोत के चयन को प्रभावित करने वाले तत्व देखो कौन कौन से हो, तो इसमें 3 तरह के होते हैं, दीर्घकालीन, अल्पकालीन एवं स्थायी एवं परिवर्तनीय। इसलिए फर्म में कोष एकत्र करने के लिए विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करती है। छोटी अवधि के ऋणों को उपयुक्त पूंजी में कमी के कारण कम लागत पर लाभ मिलता है। दीर्घ अवधि ऋण भी कई प्रकार और कई कारणों से आवश्यक माने जाते हैं। किसी एक स्रोत पर निर्भर न रहकर वे विभिन्न प्रकार के स्रोतों पर का मिश्रण करती है, मतलब दीर्घकालीन, मध्यमकालीन सब तरह के वो स्रोत अपने पास रखती है। इस मिश्रण के चयन को भी कई कारकों पर प्रभावित करते हैं, जैसे कि वित्त के स्रोतों के चयन को प्रभावित करने वाले तत्व नीचे दिए गए हैं। एक तो लागत, कॉस्ट कितनी पड़ रही है वित्त की, 2 प्रकार की लागत होती है, कोष एकत्रित करने की लागत एवं उन्हें प्रयोग करने की लागत। संगठन को कोष जुटाने के लिए किस स्रोत का उपयोग करना है, इसका निर्णय लेने के लिए दोनों प्रकार को लागतों का ध्यान में रखा जाना चाहिए, मतलब कि कोष्ट एकत्र करने के लिए पैसा जो देना पड़ रहा है उसको ध्यान रखना है, खर्चा को प्रतिशत करना पड़ता है। वित्तीय शक्ति एवं प्रचालन में स्थायित्व, यानी कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ठोस होनी चाहिए, जिससे कि वह ऋण की मूल राशि एवं उस पर ब्याज का भुगतान भी कर सके, क्योंकि लाभ होगा तभी तो भुगतान कर पाएगा, तो उसके लिए उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। पूर्वाधिकार अंश एवं डिवेंचर्स का सोच समझ कर चुनाव करना चाहिए, क्योंकि यह संगठन का पर वित्तीय भार को बढ़ा देते हैं। बिल्कुल डिवेंचर से अगर आपने पैसा लिया है तो आपको पैसा वापस करना ही पड़ेगा। ठीक है, संगठन के प्रकार एवं वैधानिक स्थिति, इसके अंदर देखिए उदाहरणतः एक साझेदारी फर्म समता अंशों के निर्गमन द्वारा धन नहीं जुटा सकती, क्योंकि इन्हें केवल संयुक्त पूंजी कंपनी ही निर्गमित कर सकती है। कैसे रूल बना हुआ है, उद्देश्य एवं समय अवधि, जैसे कि उदाहरणतः अल्प अवधि की आवश्यकता को व्यावसायिक साख, वाणिज्यिक प्रपत्र आदि के माध्यम से कम ब्याज दर पर कोष उधार लेकर पूरा किया जा सकता है। दीर्घ अवधि वित्त के लिए शेयरों एवं डिबेंचरों का निर्गमन किया जा सकता है, क्योंकि तो लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए। इसी प्रकार से जिस उद्देश्य के लिए कोषों की आवश्यकता है उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि स्रोत का उपयोग से मिलान किया जा सके, मतलब स्रोत लेने के बाद यानी कि उसका उपयोग ना हो पाए उपयोग भी किया जा सके उसका सही तरीके से। जोखिम, देखिए जोखिम तो होता ही है किसी भी चीज़ में, उदाहरणतः समता अंश पूंजी में सबसे कम जोखिम होता है, क्योंकि अंश पूंजी का भुगतान कंपनी के समापन पर ही करना होता है, तथा यदि कंपनी को किसी वर्ष लाभ नहीं होता है तब भी उसको कोई ज़रूरत नहीं है उसको ब्याज वगैरह देने की, लाभांश का भुगतान करने की विवशता उसके ऊपर नहीं होती। दूसरी ओर ऋण में मूल एवं ब्याज दोनों का भुगतान समय पर निर्धारित होता है, अगर नहीं करोगे तो फिर कंपनी के ऊपर एक्शन लिए जा सकते हैं, तथा चाहे
फर्म को लाभ हो या हानि ब्याज का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। नियंत्रण, समता अंशों के लिए निर्गमन में नियंत्रण में कमी आती है, क्योंकि देखो एक जब आप किसी को अंश देते हो, अपना शेयर देते हो, तो उस केस में वो कंपनी का हिस्सेदार बन जाता है, क्योंकि समता अंश धारकों को वोट देने का भी अधिकार होता है। इसलिए व्यवसायिक इकाइयों को स्रोत का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे व्यवसाय पर नियंत्रण में दूसरों के साथ किस सीमा तक भागीदारी चाहते हैं। साख पर प्रभाव, ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा पैसा मार्केट से उठा लोगे तो आपकी कंपनी गुडविल तो नीचे गिरी जाएगी, बाजार में उसकी साख पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरणतः सुरक्षित ऋण पत्र कंपनी के सुरक्षित लेनदारों के हितों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कंपनी को आगे उधार देने के निर्णय पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। लोच, पूर्णता एवं सुगमता यानी कि लचीलापन, धन प्राप्त करने के लिए लोच, पूर्णता एवं सुगमता, उदाहरणतः यदि दूसरे विकल्प सरलता से मिल जाते हैं तो व्यावसायिक संगठन बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण नहीं लेगा लेना चाहेगा, क्योंकि इसमें क्योंकि इनमें अंकुश के प्रावधान, विसर्जन जांच एवं कई प्रकार के प्रलोभों की आवश्यकता भी होती है, कि फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कर का लाभ, उदाहरणतः पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश को कर निर्धारण के लिए घटाया नहीं जाता, जबकि डिबेंचर्स एवं ऋण पर दिए गए ब्याज को घटाया जाता है, इसलिए करों में लाभ के लिए भी उसको पसंद किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने की, किस टाइप से आपको बाजार से वित्त उठाना है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, आज चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स कीजिए वीडियोज़ पे, और थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।